नवंबर 2018 में बजाज ने KTM 125 को लॉन्च किया था। उस वक्त ये मार्केट जो था बिल्कुल खाली था। उसके बाद बजाज ने पल्सर 125 और RC 125 को सक्सेस को देखते लॉन्च किया। उसके बाद उसी के कदमों पे TVS ने भी रेडर 125 को लॉन्च किया। चलिए इस बाइक के बारे में हम लोग इस बाइक का रिव्यू करेंगे, इस बाइक के बारे में बात करेंगे, ये बाइक कैसी है, चलाने में कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। TVS Raider 125 तो शुरू करते हैं इसे की से की जो है वेव टाइप की है, थोड़ी भारी की है, अच्छी की है, सेगमेंट में और भी है गाड़ी जिसमें इस क्वालिटी की आती है। तो चलिए इसके डायरेक्ट रिव्यू लेते हैं। तो कुछ ऐसा इसका वेलकम स्क्रीन अभी आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे रोशनी कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं इसका डायरेक्ट रिव्यू लेता हूँ। साइलेंट स्टार्टर, टेस्ट करेंगे पहले इसका थोड़ा हर गियर में कितने कितने स्पीड पे जाती है। आती है फर्स्ट गियर 32, 50, 49, थर्ड गियर 72, गियर 54, पॉइंट ऑफ पुशिंग दिस थिंग। सस्पेंशन जो इसका ये थोड़ा सॉफ्ट, वो थोड़ा सॉफ्ट साइड ही है। राइडिंग पोजीशन जो है हल्की सी थोड़ी कमिटेड है, अग्रेसिव नहीं कहूँगा, कमिटेड राइडिंग पोजीशन है। गेयर बॉक्स है, स्मूथ स्लिक गेयर बॉक्स है। पेपी बाइक है, बहुत ही फ्लिकेबल बाइक है, तुरंत ये डायरेक्शन चेंज करती है। ये थोड़ी कॉम्पैक्ट बाइक है, बैठेंगे तो इसका ये मस्कुलर टैंक और टैंक स्लॉट जो है आपको थोड़ी लगेगी, थोड़ी बड़ी बाइक चलाने की फीलिंग देगी इसको। उस हिसाब से डिज़ाइन, उस हिसाब के ऑडियंस को दिमाग में रख के डिज़ाइन किया गया है। मिरर जो है ये हल्के अपाचे वाले नहीं, अपाचे नहीं है, मिरर जो है ठीक साइज़ के हैं। इसके मिरर जो है कार थोड़े बेहतर हो सकते थे, व्यू थोड़ा जो है मेरे ये शोल्डर से ब्लॉक हो रहा है, थोड़े ये और बड़े होते हैं डिज़ाइन चेंज होता तो अच्छा होता। अब इसको शहर में चला के देखेंगे, रोड पे चला के देखेंगे इसको ये कैसी परफॉर्म करती है। इसका जो ये डिजिटल मीटर जो है जो नेगेटिव है, एक इसमें ऑप्शन आता है जिसमें आपको ये फुल्ली 5 इंच TFT डिस्प्ले मिलता है, उसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी आता है। वो इसकी प्राइस इससे हालांकि हल्की ज़्यादा है। वो मीटर जो है वो इसका डिजिटल कंसोल जो है वो तो अपने सेगमेंट की जो ऊपर की गाड़ियाँ उससे बहुत काफ़ी आ गई है। वैसे तो अभी उसके बाद तो मेरे को लगता है डायरेक्ट ड्यूक 390 में वैसे आपको कंसोल मिलेगा। तो ये बेसी साउंड करती है बाइक, थोड़ी राउडी टाइप की, थोड़ी बेसी टाइप की है। आप चलाओगे अगर आप थोड़ी इंगेजिंग राइड करोगे तो आपको इसके जो इसका जो नॉइज़ है वो आपको अच्छा लगेगा, वो आपको और थोड़ा ये कन्विंस करेगा कि इसको थोड़ा और राइड हार्ड करो। हालाँकि 125 है, ज़्यादा पावर है नहीं, 8.75 kW की पावर है तो वो उतना आपको नहीं, लेकिन हाँ पावर से स्पोर्ट बाइक को डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब जो कैरेक्टर से इसके फ्लिकनेस से उससे डिज़ाइन कर सकते हो तो हाँ डिफाइन कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये स्पोर्ट्स बाइक में अगर कंपनी ने स्पोर्टिस कम्यूटर टाइप की जो बाइक है, स्पोर्टिस कम्यूटर और या फिर कम्यूटरिस स्पोर्ट्स उस टाइप की कंपनी ने इसे देने की कोशिश की है तो हाँ वो ये चीज़ डिलीवर करती है। इस सेगमेंट की और भी जो बाइक है, SP125 हो गई या फिर ये SP125 जो इसकी डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है, वो तो पूरी थोड़ी रिलैक्स, SP125 जो है तो रिलैक्स टाइप की बाइक है, तो वो जो है वो भी अच्छी बाइक है। हालांकि अपने सेगमेंट लिए वो थोड़ी और थोड़ी ये रिलैक्स राइडिंग पोजीशन के साथ आती है, थोड़ा और इसका स्मूथ इंजन है और उसके जो एग्जॉस्ट नोट जो है वो ऐसा स्पोर्टी नहीं है, वो आपको स्पोर्ट कहीं से वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको स्पोर्ट्स ये आपको वो कन्विंस कर दिए कि इसे राइड हार्ड करो। लेकिन ये जो है इस पर आप जो बैठेंगे जब चलाएंगे, जब थोड़ा राइड हार्ड करेंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप करेगी कि हाँ आप इसे थोड़ा राइड हार्ड कर सकते हो। अगर ये 5 साल पहले लॉन्च हुई होती तो बाइक जरूर 156 cc सेगमेंट में होती, लेकिन अभी 125 cc सेगमेंट ही इतना क्राउडेड हो गया है
ये इसमें जो अभी मेरे को यहाँ इसके मीटर में कंप्यूटर में जो दिख रहा है 45 km पर लीटर का एवरेज दिख रहा है, जबकि मैंने इसे थोड़ा हार्ड राइड किया है तो उस हिसाब से इसका माइलेज बहुत अच्छा है। इसकी टॉप स्पीड जो है अराउंड 110 है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि फास्ट 95 ही इसमें कुछ ज़्यादा बचता होगा चलाने को, तो उसके लिए अगर आप इसे टॉप स्पीड लिया हो तो बहुत लंबा आपको स्ट्रेच लगेगा, वो रिकमेंडेबल नहीं है। आवाज़ जो है सच में अच्छी आवाज़ है मेरे को, वो मैं अपने जान नहीं रहा हूँ कि मुझे माइक जो है कितना आवाज़ कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन मैं चला रहा हूँ तो ये आवाज़ जो है सच में अच्छी है, इसकी देसी आवाज़ छोटी आवाज़ आ रही है। और ये इसमें इको राइडिंग में मिलता है इको और ये पावर, तो ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं, हालांकि इको में लगा कि वो थोड़ा रेव को जो है वो मैनेज कर रहा है, थोड़ा इंजन को जो है खुल के इंजन को जो है खुल के अपने फुल आरपीएम तक जाने नहीं दे रहा है। पावर में जो है आपको वो मेरे को पावर का तो कुछ वो फ़र्क नहीं लगा कि दोनों मोड में कुछ पावर क्या फ़र्क है, हाँ हल्का सा इसी ट्यूनिंग मेरे को लगी कि कंपनी ने कुछ इसी ट्यूनिंग की है। सस्पेंशन जो है ये सॉफ्ट साइड ही है, उतना हार्ड साइड है नहीं, तो ये कॉर्नर पे जो है उतना कॉन्फिडेंस देती नहीं है इसको। आप ये KTM की ड्यूक 125 हो गई या पल्सर NS 125 हो गई, उस तरह से आप इसको कॉर्निंग नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छी खासी सॉफ्ट है, ब्रेक मारने पे फ्रंट ब्रेक मारने पर अच्छा खासी नोज ड्राइव भी करती है। और पीछे आगे का सस्पेंशन सॉफ्ट है, पीछे का इसका हार्ड है। अच्छी बाइक है, डेली डे टू डे राइड के लिए बहुत सही बाइक है। कंपटीशन जो है इसमें जो कंपटीशन वाली बाइक है उससे ये डे टू डे राइड के लिए अच्छी अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है। हल्की निमर बाइक है, 123 kg इसका कब वेट है, तो ये शहर में भीड़ में चलाने में उसे कोई दिक्कत होगा नहीं। जिस यूथ जनरेशन को देख के डिज़ाइन की गई है उसके लिए बहुत सही रहेगी ये बाइक, क्योंकि हल्की बाइक चाहिए, अच्छा फील माइलेज चाहिए, अच्छी इकोनॉमी चाहिए, लो सर्विस कॉस्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ जो है इसमें इस बाइक में है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई अगर आपके जानने वाले हैं ये बाइक लेना चाहते हैं उनको रिव्यू देखना हो तो ये मेरा वीडियो प्लीज़ उनमें शेयर कर देना, उनको सजेस्ट कर देना, और कुछ आपकी पूछना हो तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना। तो राइट, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।